हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक करने वाले हैं इमेज रेजोल्यूशन एंड पिक्सल पर इंच, यानी जिसे हम PPI भी कहते हैं। और पिक्सल पर इंच का दूसरा नाम है हमारे पास पिक्सल की डेंसिटी एंड पिक्सल डेंसिटी। देखो, हमने पिछली बार टॉपिक किया था कि पिक्सल क्या होती है, तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज उसको देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा सा मुझे पहले पिक्सल के बारे में बताना पड़ेगा, तभी हम इसके अंदर घुसेंगे। देखिए, पिक्सल के अंदर हमने जल्दी से बताता हूं कि क्या देखा था कि पिक्सल एक स्मॉलेस्ट हम कहते हैं यूनिट होती है कि हमारे पास किसी इमेज की। जो पिक्सल क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो इमेज हमारी होती है ग्रिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कॉलम्स एंड रो में, तो उन हर एक ब्लॉक को हम पिक्सल कहते हैं। और वो इंफॉर्मेशन देती है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कि इस ब्लॉक में उस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से कौन सा कलर आएगा। ये मैंने स्मॉल ब्रीफ में बताया, पूरा प्लीज उसको देख लीजिए, तभी आप इसको अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। अब आती है बात, देखो इमेज रेजोल्यूशन, पिक्सल पर इंच या पिक्सल डेंसिटी, ये एक बताऊंगा तो साथ साथ दूसरा भी अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा इमेज रेजोल्यूशन कि मेरी इमेज का रेजोल्यूशन क्या है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि मैं कहता हूं कि मैंने कोई इमेज लिया, उसका रेजोल्यूशन क्या है, 920x1080। तो जो ये पहली चीज होती है, ये क्या होती है, विड्थ, और दूसरी क्या होती है, हाइट। ओके, ये विड्थ है और ये हाइट है, यानी कि विड्थ में कितने पिक्सल है, 1920 पिक्सल, एंड हाइट में कितने पिक्सल है, 1080 पिक्सल। यही चीज है। अगर आपके पास अभी मोबाइल में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से अपने मोबाइल की गैलरी में जाओगे तो वहां पे देखो इमेज होगी, इमेज की प्रॉपर्टी चेक करो। प्रॉपर्टी में आपके पास समथिंग कुछ इस तरीके से, कुछ और भी चीज मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो समथिंग, जैसे 440x375 कुछ भी हो सकता है, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। यानी वो क्या है, उसका रेजोल्यूशन है उस इमेज का, ठीक है। यानी उस इमेज के अंदर इतने पिक्सल विड्थ में और इतने पिक्सल हाइट में, समझ गए। तो ये होता है रेजोल्यूशन। अब मैं इसको आगे यूज कर रहा हूं समझाने के लिए पीपीआई, पिक्सल पर इंच एंड पिक्सल डेंसिटी, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल को कभी भी आप ऐसे, मैं दूसरा मोबाइल नहीं है इस टाइम, आप सीधा जैसे ऐसे पकड़ते हो इसको, आप ऐसे नहीं समझते। हम जब भी हम इसको कंसीडर करते हैं तो उसको ऐसे टिल्ट करके इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे बोलना होगा कि इस मोबाइल की विड्थ कितनी है, तो मोबाइल को आप ऐसे पकड़ोगे और बोलोगे कि भाई इसके अंदर 1920 पिक्सल है, एंड ये क्या है, हाइट, तो इसके अंदर कितने पिक्सल ले लिए मैंने, 1080। मोबाइल आप कभी खरीदते हो तो आपको क्या बताता है अपने बॉक्स पे, देखना कि ये इतने बाय इतने की इमेज कैप्चर कर सकता है, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर सकता है, इतने रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकता है मैक्सिमम। यानी वो क्या बताना चाहता है कि आपके पास जो मोबाइल है उसकी जो विड्थ है उसके हिसाब से आप कितने पिक्सल है उसके अंदर, 1920 जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और हाइट में कितने पिक्सल है, 1080। ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सपोज करो आप कोई इमेज कैप्चर कर रहे हो, अभी वीडियो को पोस्ट करो फिर से मैं आपको, क्योंकि ये एग्जांपल कुछ ऐसे जो आप लाइव अपने मोबाइल पे देख सकते हो। सपोज करो आपके पास 16 मेगापिक्सल का मोबाइल है, ठीक है, कैमरे का रेजोल्यूशन क्या है, 16 मेगापिक्सल। वीडियो ऑन करो या कोई मोबाइल कैमरा ऑन करो तो उसकी सेटिंग में देखोगे तो आपके वो बोल रहा हो कि क्या आप इस इमेज को 16 की जगह 8 मेगापिक्सल में कैप्चर करना चाहते हो, 4 में करना चाहते हो, 2 में करना चाहते हो, ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास, ठीक है जी। तो अब मैं वो बताना चाहता था, अब देखो मेरे पास मैक्सिमम जो साइज दिया हुआ है उसके हिसाब से जो रेजोल्यूशन है 1920x1080, इतने रेजोल्यूशन में मैं कोई इमेज या वीडियो कैप्चर करना शुरू कर सकता हूं। अब समझना ध्यान से, बात आती है पिक्सल पर इंच, पर इंच मेरे पास कितने पिक्सल है मुझे ये बताना है। ये मोबाइल का इंच नहीं बताया हुआ इस तरीके से, जो विड्थ है आपको इंच में नहीं बताई उसने, ठीक है जी। जो ये हाइट है आपको इंच में नहीं बताई कि 2 इंच का है, 5 इंच का, ऐसे नहीं बताया कि 10 इंच का, 7 इंच का है, उसने क्या बताया आपको, रेजोल्यूशन की विड्थ के अंदर इतने पिक्सल है, हाइट के अंदर इतने पिक्सल है। अब मुझे निकालना कि 1 इंच में, पिक्सल पर इंच बोल रहा हूं ना, 1 इंच में कितने पिक्सल है, तो वो कैसे निकालूंगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर
हमारे पास जब भी हमें चीज बतानी होती है ना, देखो ऐसे ऐसे बताते हैं हम डायगनली। ये थोड़ा सा, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। कोई कहता है कि आपका मोबाइल 6 इंच का है, तो 6 इंच का मतलब कोई वो विड्थ और हाइट नहीं बता रहा, वो उसका डायगनल बता रहा है कि डायगनल कितने का है उस डिवाइस का, तो वो बोलता है 6 इंच का। तो हमें समझ जाना चाहिए वो डायगनल की बात कर रहा है। टीवी भी बोलते हैं कि मेरा 32 इंच का टीवी है, तो भाई 32 इंच में वो ये नहीं बोल रहा कि उसकी विड्थ 32 है या हाइट 32 है, वो डायगनल बता रहा है आपको कि इसका डायगनल जो है वो 32 इंच का है। समझ गए? अब समझो, यहाँ पे मुझे अब ये बताना है कि ये जो जितने भी इंच का है, 4 इंच का, 5 इंच का, जो भी, हमें उससे मतलब नहीं है। बट ये बताना है कि सपोज कर लो आइडिया के तौर पे, ये 1 इंच मान लो, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5 इंच, ये 6 इंच, ठीक है। इतने इंच में, ठीक है, ये 1 इंच हो गया, इतने इंच में कितने पिक्सल आ रहे हैं मुझे वो बताना है इसको, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो गया, पिक्सल पर इंच। अब इसको निकालेंगे कैसे, मुझे पता है ये 1920 पिक्सल है इसके अंदर, विड्थ में हाइट में इतने हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ओके। आपने ये क्या, एक 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, पाइथागोरस पढ़ी है, पाइथागोरस के हिसाब से ये चीज क्या हो जाएगी आपके पास, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। फॉर्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यही होगा इक्वल टू, ये मैंने मान लिया अब एक्स, ये मैंने एक्स मान लिया कि कितने पिक्सल है इसके अंदर टोटल में, पिक्सल में ले रहे हैं, साइज में नहीं ले रहे कि मैं ये नहीं बोल रहा 6 इंच का 7 इंच का, मैं पिक्सल की बात कर रहा हूँ। साइज की बात करता 5 इंच या 6 इंच, तो मुझे ये भी बताना पड़ता कि ये कितने इंच का है, ये कितने इंच का है, ठीक है। सेम चीज रहेगी ना, अगर पिक्सल ले रहे तो पिक्सल में ही निकाल सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास कुछ कैलकुलेशन ऐसी आएगी, 22055 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 440 अराउंड समथिंग पिक्सल पर इंच। यानी कि जब मैंने इसको सोल्व किया पाइथागोरस थ्योरम से, तो मैंने देखा कि इसके पर इंच में, ठीक है, कितने पिक्सल आ रहे हैं, 440, ठीक है जी। तो ये होता है पीपीआई का कॉन्सेप्ट, कि वो आपको मोबाइल वाले कहते हैं कि इसका रेजोल्यूशन इतना है और ये मोबाइल 6 इंच का है, तो आप इस कैलकुलेशन को लगाओ और आपको पता चल जाएगा पिक्सल पर इंच कितने हैं। अब ये सोचोगे आप, आपके दिमाग में ये चीज आएगी, यार ये पढ़ क्यों रहे हैं, पिक्सल पर इंच हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है, सपोज करो आपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली क्या एक इमेज इतने पिक्सल पे, आपका मोबाइल तो 16 मेगापिक्सल का है, ठीक है जी, कर ली। अब उस इमेज को आपने ट्रांसफर कर दिया किसी मोबाइल पे जिसका साइज क्या है, सपोज कर लो किसका साइज क्या है आपके पास, आइडिया के तौर पे 1920 की जगह आप मान लो कि उसका साइज है 750 और ये हो गया आपके पास 470 मान लो कुछ समथिंग, ठीक है जी। मतलब आपने एक इमेज बड़े अच्छे मोबाइल में कैप्चर करी, उसको ट्रांसफर कर दिया छोटे वाले जिसका साइज कम है, तो क्या वो चीज उतनी दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, समझ रहे बात। तभी आप देखते रहोगे यार मेरे मोबाइल में तो ऐसे दिख रही है, उसके मोबाइल में ऐसी क्यों दिख रही है, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे पिक्सल पर इंच कम हो गए। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे इसके हिसाब से तो पिक्सल पर इंच कम हो जाएंगे। पिक्सल पर इंच अगर कम हो जाएंगे तो क्या होगा, उसका रेजोल्यूशन कम कर दिया ना मैंने, तो वो मुझे थोड़ी सी इमेज कैसी दिखती है, डिस्टॉर्टेड दिखती है, खराब सी दिखती है। देखा होगा आपने, अच्छी क्वालिटी की चीज जाके घटिया मोबाइल में डाल दोगे तो दिखती है खराब, इस वजह से, ठीक है, समझे पीपीआई का कॉन्सेप्ट। इसी चीज को आप बहुत अच्छे मोबाइल में डाल दोगे, ठीक है, तो वहां पे आपकी क्वालिटी, ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी होके आ जाएगी, नहीं, बट हाँ वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, ये चीज समझना। छोटे में डालोगे तो खराब तो कर ही देगा, बट जैसे आप उसको बड़े में डालोगे तो क्वालिटी, सॉफ्टवेयर के, हमारे पास सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम इनबिल्ट होता है कि क्वालिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है, तो वहां पे आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ये समझ के चलो आप। आपकी आईज उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, मगर आप बहुत ही ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे डाल दोगे, सपोज करो एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी स्क्रीन पे डाल दोगे, ठीक है, छोटी सी वीडियो कैप्चर करी 4 मेगापिक्सल में मान लो, ठीक है, मोबाइल है। अब मैंने क्या कहा, बड़े में डाल दो, क्या मेंटेन करने की कोशिश करें, मगर उसको आप इतने बड़े में डाल दोगे तो आपके पास देखा होगा कई बार यूट्यूब पे, कई बार वीडियो में वो पिक्सल फटे हुए आ जाते हैं, क्यों भाई, वो इतने बड़े के हिसाब से भी उसको मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यों पढ़ा पीपीआई, क्योंकि छोटे से बड़े डिवाइस में, बड़े से छोटे में डालेंगे तो फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा कि अगर आपने रेजोल्यूशन बढ़ा दिया, आपने इतने में कैप्चर करी है,
रेजोल्यूशन अगर आप बढ़ा दोगे इसको और अच्छे में डालोगे तो क्या होगा, विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करके रखना है उस चीज को, कि जो रेजोल्यूशन था जो हमारे पास क्वालिटी थी वो मेंटेन करके रखनी है। अगर आप रेजोल्यूशन कम कर दोगे, इतनी की चीज इतने में कर दोगे, तो विड्थ एंड हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी वहां पे, क्योंकि उसको मेंटेन करके दिखाना, वो बड़े बड़े पिक्सल में हमें दिखेगी। पहले चीज थी हमारे पास 440 पिक्सल में, अब इसके हिसाब से तो वो क्या हो जाएंगे, पिक्सल कम हो जाएंगे, तो उसको मेंटेन करके रखना है, तो विड्थ एंड हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी हर पिक्सल की, बड़ी होके आ जाएगी ना भाई। सपोज करो ना, छोटी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये 440 पिक्सल की चीज है, मतलब मैं कहता हूं कि पर इंच आपके पास इतने ऐसे मान लो 440 समथिंग कुछ ऐसे आएंगे इसके अंदर, ऐसे मान के चलो, ठीक है। बट इसी चीज को आप उठा के कितने में डाल रहे हो, 220 वाले में डाल दिया आपने, 440 वाली चीज को आपने उठाया और किस में ट्रांसफर कर रहे हो, 220 ppi वाले में। तो भाई इसको मेंटेन जब करेगा तो साइज बड़ा करना पड़ जाएगा ना इसको, तो इस वजह से, ठीक है। तो जैसे आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे, विड्थ एंड हाइट हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे डिक्रीज करोगे रेजोल्यूशन तो ये विड्थ एंड हाइट बढ़ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट आपके पास मोबाइल में होता है, कि जब आप देखोगे ध्यान से, कर लो अभी चाहे इसका लाइव एक्सपेरिमेंट आप अपने मोबाइल में कर सकते हो, 16 मेगापिक्सल की आप वीडियो बनाओ तो आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी, जैसे आप उसको 8 मेगापिक्सल में करोगे तो छोटी हो जाएगी। छोटी की हो जाएगी, आपने क्या किया, रेजोल्यूशन कम कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा, उसको मेंटेन करने के लिए विड्थ एंड हाइट इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे उसको आप मोबाइल से मत समझो अभी, इस चीज में क्या होगा आपके पास, कि जब आप उसको आगे देखोगे क्वालिटी के लिए तब आपको दिखेगी, मोबाइल में तो आपको छोटी दिखेगी, बट जब उसको आप आगे देखोगे तब वो आपको ऐसी दिखने वाली है, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, रेजोल्यूशन आप कम करते जाओगे तो आपके पास क्या चीज है, वो आप उसको छोटे डिवाइस के लिए बनाते जा रहे हो, एक चीज से ये समझ लीजिए। ज्यादा में कैप्चर बड़े उसमें करोगे तो वो बड़े डिवाइस में काम करेगी अच्छे से, जैसे छोटे में करोगे तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास इमेज रेजोल्यूशन का, पिक्सल पर इंच एंड पिक्सल डेंसिटी, यही पिक्सल डेंसिटी होती है, मतलब हर एक इंच में कितने पिक्सल आ रहे हैं। अगली वीडियो हमारे पास होगी एस्पेक्ट रेशियो से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्योंकि हमारे डिवाइसेस के अंदर बहुत जगह ये पूरी यूज होती है, एस्पेक्ट रेशियो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको करेंगे। देन ये जो हमारे पास पिक्सल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, फिर हम वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करके जाना, और हाँ, मैं लास्ट टाइम आपको बुक दिखाना भूल गया था, मैंने बोला था कि बुक दिखाऊंगा। देखिए, ये बुक है अब मेरे पास जो मैं मेनली लेके आया हूँ, काफी अच्छी लगी मुझे, कंप्यूटर ग्राफिक्स की बुक है, राइटर है इनके उदित अग्रवाल। ये जो राइटर इनकी फोटो बैक में है, ये जो मिस्टर उदित अग्रवाल है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट RBMI बरेली में, ठीक है। बरेली के अंदर ये वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर है CSE के अंदर, तो उन्होंने ये बुक लिखी है। ये मेनली आपको पता कहाँ मिलेगी, जो दिल्ली से रिलेटेड जुड़ी हुई स्टेट्स है ना, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, वहां मिलने के चांस पूरे है। जिस बच्चे को वाकई में ये बुक मिल जाए, मैं कहूंगा आपको किसी और दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, 99% सिलेबस है और काफी अच्छा डेप्थ में दिया हुआ है। अभी मैं बुक का नाम लिया तो मुझे कंसेप्ट और बताना था, मैं भूल गया, अभी बताता हूँ जल्दी से। तो उसके बाद अगर ये बुक मिल जाए आपको तो बेस्ट है, नहीं तो मैंने एक दूसरी बुक ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रखी है वेबसाइट पे AP Godse की, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी चीज आएगी तो उसको जरूर बता दूं कॉन्सेप्ट में। देखो, वो कहते हैं कि आपने सपोज करो कि आपके पास मोबाइल तो इतने मेगापिक्सल का है, ठीक है, आपके उसने स्कैनर का एग्जांपल दिया बुक ने, कि आपने स्कैन करके कोई इमेज कैप्चर करी है। सपोज करो स्कैनिंग के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट पिक्सल का नहीं चलता, अगर किसी के पास प्रिंटर है तो वहां पे कॉन्सेप्ट चलता है DPI, DPI मतलब डॉट्स पर इंच। आप देखोगे आपके प्रिंटर पे लिखा होगा कि 200 डॉट्स पर इंच है, 300 DPI का या 400 DPI का, ठीक है। तो वो ये कहता है कि आपने सपोज करो, मान लो कि आपने प्रिंट स्कैन करी है 300 DPI पे, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो कि जो कि है 600 DPI, जो कि आप पिक्सल पर इंच भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक छोटी चीज को बड़े में खोल रहे हो, फर्क दिखेगा आपको, वो ये बताना चाहता है। साथ ही साथ वो ये कहता है कि आप इसकी, अगर आपने इसको तो ओपन किया, ठीक है, अगर आप इसकी प्रिंटिंग करवा रहे हो,
सेवन सपोज कर लो 400 DPI पे, तो वो एक अलग चीज आएगी आपके पास। ये हमें पता है भाई इतने साइज में खींची हुई इमेज ली हुई फोटो इतने में खींचोगे फर्क दिखेगा। साथ ही साथ वो ये कहता है कि ये तो डिवाइस का फर्क हो गया हमारे पास, ठीक है। बट अगर आप इतने DPI पे कोई चीज स्कैन करते हो, उसको उठा के आपने सपोज कर लो दूसरे कंप्यूटर पर डाल दिया 600 DPI वाले पे, ठीक है, यानी 600 PPI पिक्सल पर इंच वाले पे, वहां पे वो कहता है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर खोला फोटोशॉप का, ठीक है, तो वो आपको 600 DPI वाले पे नहीं दिखाएगा, वो आपने जो ओरिजिनल जिस पे कैप्चर करी है ना उसी पे ही दिखाएगा, उसी पे आपको कहेगा कि आप एडिट करो सब करो, समझ गए बात। तो ये चीज सिर्फ डिवाइस में देखने में फर्क दिखती है, बट जब आप एडिटिंग के लिए जाते हो कोई सॉफ्टवेयर में, तो ओरिजिनल जो साइज होता है वो उसी के हिसाब से चलता है DPI पे, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको समझाना जरूरी था। तो ये हो गया इमेज रेजोल्यूशन, जल्दी करेंगे एक्सपेक्ट रेशियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय, थैंक यू।